1991 बैच के आईपीएस अफसर डॉक्टर अतुल वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त होने के बाद शिमला पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। डीजीपी ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर और चुनौती दोनों है। हिमाचल प्रदेश पुलिस देश में बेस्ट परफॉर्मिंग है, वहीं प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। चुनौती अवसर दोनों ही है और प्रदेश में प्रदेश की पुलिसिंग शायद देश में सबसे अच्छी है, जिसको आप रिजल्ट आउटकम से देख सकते हैं, सबसे पीसफुल और सबसे बाकी भी पैरामीटर्स में और नेशनल लेवल पे भी जहाँ जहाँ असेसमेंट की जाती है स्टेट्स की परफॉर्मेंस, वहाँ ज़्यादातर नंबर एक, नंबर दो या नंबर तीन पे ही हिमाचल हर एक अलग अलग क्राइम के क्षेत्र में माना जाता है। उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना और जो नए इमर्जिंग क्राइम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस के नवनियुक्त डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर भी है और चुनौती भी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में पुलिस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, इसका असर यहां के आपराधिक आंकड़ों में भी देखने को मिलता है। प्रदेश में नशे का बढ़ता व्यापार उनके फोकस में रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह है, प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले डिमांड को घटाना और सप्लाई पर प्रहार करना पुलिस के फोकस में रहेगा। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और हजारों की तादाद में इसके मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस दिशा में भी पुलिस विभाग का विशेष फोकस रहेगा। मैं यहाँ पोस्टिंग के पहले सीआईडी में था और जो नारकोटिक्स विंग स्टेट लेवल का है वो सीआईडी में है और उसके लिए हमने प्लान एक बनाया है काफी डिटेल्ड और फेज बाय फेज इम्प्लीमेंट करने का कोशिश रहेगा। हमारा फोकस डिमांड साइड रहेगा। जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम को पूरी तरह पकड़ में लाना मुश्किल होगा। तो डिमांड कम करने के लिए कई तरह की उसमें पहल की जाएगी और छोटे से स्कूल टाइम से लेके बच्चों का से लेके ट्रेनिंग, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स बेटर हों और स्टिग्मा नहीं हो, बहुत लोग नहीं बताते हैं। ये भी एग्जामिन करेंगे कि इन पेशेंट की जगह आउट पेशेंट ट्रीटमेंट से अगर हो सके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने नहीं आते, पीछे से बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनका इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको इन्वॉल्व करके इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देके करना होगा। शायद प्रदेश में क्राइम के हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। सर, इसमें सप्लाई एक बड़ा इनिशिएटिव है कि बाहर से ज़्यादा जो है सप्लाई होता है, उसको लेकर कुछ प्लान है? इसमें तीनों ही चीज़ है, आपको डिमांड सप्लाई में के लिए एनफोर्समेंट करना, बेसिकली केस करना, पकड़ना, और तीसरा ट्रीटमेंट। ये तीनों मिलके ही चलेगा और ये तीनों उतने ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो वापस नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।